तो, राजपीढ़ी में हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार कॉलेज के बारे में जो कि है आई दिल्ली एक ऐसा कॉलेज जिसका नाम सुन के बाप के चेहरे पे खुशी आ जाती है घर में रिश्ते आने स्टार्ट हो जाते हैं आज हम कवर करने वाले हैं इसका पोस्टमार्टम करेंगे और सारी चीजें देखेंगे कि भाई हॉस्टल्स कैसे कॉलेज लाइफ कैसी है कल्चरल फेस्ट कैसे हैं टेक्निकल फेस्ट कैसे हैं रिसर्च अपॉर्चुनिटीज कितनी है प्लेसमेंट कट ऑफ का खाना कैसा है और यार ये जो अभी मैंने आपके सामने पी डिस्प्ले हो रही है ये पीडीएफ खुद वहां के एक थर्ड ईयर के बच्चे द्वारा लिखी गई है हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है गित मित्तल और मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ आई टी के अंदर ये बिल्डिंग बहुत प्यारी आप पास से देखते हो तो काफ़ी अच्छी लगती है एक शिप के उस फॉर्मेट में बनाई गई अगर हमें नए रैंकिंग की बात करें यार तो थर्ड रैंकिंग है इसकी ओवरऑल और अगर हम सिर्फ इंजीनियरिंग के अंदर देखें तो इसकी सेकेंड रैंकिंग आती है ग्रेट इस्टिश नाइनटीन सिक्सटी और तीन एकड़ का कैंपस है यार अगर आपने जे के बारे में सुना होगा तो जे और आई टी दोनों बस बगल बगल में है एक सड़क का डिफरेंस है राइट और काफ़ी प्यारा अच्छा है लश ग्रीन कैंपस है यार आपका पूरा का पूरा कोई रैगिंग एटमोसफेयर नहीं है ठीक है जैसा कि 2008 में थ्री एडियट्स में दिखाया गया था नहीं वैसी कोई रैगिंग नहीं होती है अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो यार 75 परसेंट अटेंडेंस नेसेसरी है और ऐसा नहीं है कि सेवेंटी के नीचे टाइम टाइम फेज फिर अपने प्रोफेसर्स के अपने अपने रूल्स हैं कुछ प्रोफेसर हैं जो कि आपको बोल सकते हैं कि भाई 65 से 75 परसेंट के बीच में अटेंडेंस हुई तो एक ग्रेड कम कर देंगे 50 से 65 परसेंट के बीच में हुई तो दो ग्रेड कम कर देंगे 50 से नीचे हुए तो फेल कर दिए जाओगे काफ़ी प्रोफेसर ऐसे भी हैं जो कि आपको चेल मिल सकते हैं राइट जिन्हें अटेंडेंस है ऐसा कुछ नहीं है हॉस्टल्स की अगर हम बात करें तो ग्यारह बॉयज़ हॉस्टल हैं और दो गर्ल्स हॉस्टल हैं ठीक है जेंडर रेशो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखता हुआ अगर हम लाइब्रेरी की बात करें यहाँ तो करीबन दो लाख बुक हैं ठीक है ठेके? अगर आप पढ़ाई पढ़ाई के शौकीन हो ठीक है तो निराशा नहीं मिलेगी फुल्ली एयर कंडीशन है ट्वेंटी फोर सेवन लाइब्रेरी खुली रहती है ट्वेंटी फोर सेवन यार एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है और काफ़ी कम कॉलेजेस में लाइब्रेरी चौबीस घंटे खुली रहती है सिर्फ फेस्टिवल के दिन यार आपको क्लोज मिलेगी ग्रीन कैंपस है काफी हरा भरा कैंपस है लोकेशन आपकी हौस खास है जिन लोगों को नहीं पता हौस आपका एक तरह से पार्टी हब माना जाता है ठीक है और काफ़ी सारे आपके क्लब्स वगैरह हैं वहाँ पे मेट्रो स्टेशन की अगर हम बात करें तो एकदम आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मेट्रो स्टेशन मिलता है तो आप पूरे दिल्ली से एक तरह से कनेक्टेड हो सामने आपके यार एक डियर पार्क है रोज पार्क भी है रोज़ पार्क समझ गए ना तो बहुत प्यारी प्यारी यार जगह हैं डियर पार्क के अंदर आपको एक लेक भी मिलती है राइट और अगर आपने वो मूवी देखी हो कौन सी रॉक स्टार तो रॉक स्टार के अंदर के कुछ जो सीन हैं वो डियर पार्क में आपके शूट हो रखे हैं कल्चरल फेस्ट की अगर बात करें तो यार ये है रौंदवू बहुत शानदार फेस्ट नॉर्थ इंडिया में अगर कि कोई बेस्ट फेस्ट की अगर हम बात करें तो वो रौंदे होता है सब लाते हैं यार बड़े बड़े इसमें जितने भी आर्टिस्ट हैं आपके अरिजीत सिंह जाकिर खान विशाल लडलानी दिलजीत बस चलता रहता है दो तीन तीन चार दिन ये चलता है और मज़ा आ जाएगा अगर तुम तो जब अपने कॉलेज में जाओ और दिल्ली के आसपास रहते हो तो डेफिनेटली आओ अगर हम नीचे आ, साउथ की बात करें तो भाई आई बॉम्बे का मूड इंडिगो वो इससे भी थोड़ा बड़ा फेस्ट है सिमिलरली अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो आई गुवाहाटी का फेस्ट बहुत प्यारा है राइट right? तो स्पोर्ट्स फेस्ट होता है यार इनका स्पोर्ट है कि ये मार्च महीने है, के महीने में होता है इनका कल्चरल फेस्ट अक्टूबर के महीने में होता है राइट इनका एक टेक्निकल फेस्ट है ट्राइस जो कि आपके फेब एंड के दौरान होता है कट ऑफ की अगर बात करें यार तो यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की दे रखी है टू से नाइन्टी थ्री के बीच में कट ऑफ डेफिनेटली काफ़ी हाई जाती है स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें यार तो जो आप स्पोर्ट्स इमेजिन कर सकते हो वो लगभग आपको सारे मिल जाएंगे सबसे पहले लिखता है लिखा है यार हमने लॉन्न टेनिस के बारे में लॉन टेनिस में सिर्फ आपको सिंथेटिक नहीं प्ले कोर्ट भी मिलेंगे और सिर्फ एक एक नहीं मल्टीपल कोर्ट्स हैं जो कि काफ़ी वेल मेनटेन्ड है नेट आपके अच्छे से हैं साफ सफाई रखी जाती है बच्चे बहुत खेल रहे होते हैं बिग एथलेटिक ग्राउंड है यार बास्केटबॉल फुटबॉल हॉकी क्रिकेट ग्राउंड सारी चीज़ें हैं हॉस्टल के अंदर आपको बैडमिंटन कोर्ट वगैरह मिलते हैं हॉस्टल के अंदर आपको और काफ़ी इंडोर गेम्स मिल जाएंगे पूल टेबल मिल जाएगी टी टेबल मिल जाएगी फूसबॉल मिल जाएगा लार्ज स्विमिंग पूल है ठीक है स्विमिंग पूल मिल जाएगा और डात से ठीक है अगर हम एयरपोर्ट से दूरी देखें इनकेस आपको जल्दी होकर जाने की मतलब ठीक है वो लिख दिया बस हमने कि दस किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से चौदह किलोमीटर दूर है ट्रेन से ठीक है रेलवे स्टेशन से मेट्रो आपका वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर है और मोटर व्हीकल्स जो है यार वो अलाउड नहीं है हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए ठीक है आप अपनी खुद की गाड़ी कॉलेज के अंदर नहीं रख सकते हो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आप रख सकते हो जैसे मेरा कॉलेज था वहाँ पे आप रख सकते थे तो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है ठीक है कॉलेज टू कॉलेज वो चीज़ डिपेंड करता है और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो एडमिशन की स्पेलिंग गलत लिखी है राइट ये आई का ही ये थर्ड ईयर का बच्चा है क्या करो इंजीनियरिंग में अच्छे हैं अंग्रेजी की गारंटी नहीं लिया हमने ग्रेट सो एडमिशन थ्रू जय एडवांस होता है यहाँ पे अब अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो यार उसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है ठीक है 1100 जॉब ऑफर इन्हें मिले हैं राइट और ओवरऑल अगर सी की हम बात करें तो 13.6 पॉइंट सिक्स इनका एवरेज पैकेज गया है ये इंटरनल नॉलेज है वेबसाइट पर आपको मैंशन नहीं मिलेगी अगर हम हाइएस्ट पैकेज की बात करें तो यार वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया अराउंड 1.3 पॉइंट करोड़ का जब भी यार आपकी वैल्यूज करोड़ में जाने लग जाए ना प्लेसमेंट्स की वो फिर आपकी इंटरनेशनल पैकेजेस होते हैं डोमेस्टिक पैकेजेस नहीं होते डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया में आपको पैकेजेस मिल रहे हैं फील आ रही है अब यार ये काफी सारी फर्म्स हैं जैसे कंसल्टेंसी के अंदर कौन कौन आया यहां पे आप देख सकते हो ये सारी की सारी कंसल्टेंसी फ़र्म्स है मैकेजी हो गई ठीक है हे hey ग्रुप हो गया जी हो गया डिलॉयट हो गया ये सारी की सारी जितनी भी मेजर कंपनीज़ हैं यार गुड़गांव में हो गई नोएडा में हो गई चाहे आपकी हैदराबाद बैंगलोर बेस्ड भी हैं सारी आती हैं अगर आप सबसे हाईएस्ट पैकेज की बात करोगे तो वो ये सारी की सारी आईटी कंपनीज़ होती हैं ये कंसल्टेंसी फर्म्स जो हैं यार ये डिपेंड करता है ये आपका आठ से चौदह लाख के बीच में कहीं देती हैं आई फ़र्म्स तो तुम्हें पता ही है कहाँ तक जाती हैं फाइनेंस वालों का भी यार सब लगभग लग लग वही रहता है ठीक है एंड इसी प्रकार से सारी हैं ठीक है सारी आपकी ये कोर ब्रांचेस की भी आप देखना चाहो तो ये देख सकते हो अब यार बात करते हैं हॉस्टल की हॉस्टल एक तरह से मैंडेटरी है यहाँ पे रूम्स की अगर हम बात करें तो यार आपके छोटे रूम हैं जिसमें दो बच्चे रहते हैं सिंगल रूम के अंदर फिर कुछ रूम्स हैं जहाँ पे तीन बच्चे एक साथ रहते हैं और फोर्थ ईयर की जब हम बात करते हैं तो एक स्टूडेंट रहता है पर रूम ठीक है सो so, ये डिफरेंट फॉर ऑल द हॉस्टल अलग अलग हॉस्टल में अपना अपना है पर आपको फोर्थ ईयर में

तो तीन स्टूडेंट रहते हैं एक रूम के अंदर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में और दो स्टूडेंट्स रहते हैं सिंगल रूम में थर्ड एंड फोर्थ ईयर के अंदर और हॉस्टल के अंदर किसने बच्चे ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि सुपर बॉन्डिंग है इनके इंटर हॉस्टल कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह भी होते रहते हैं ठीक है कैन गो आउट ऑफ हॉस्टल ट्वेंटी फोर सेवन फॉर बॉयज़ ठीक है बॉयज़ किसी भी टाइम जा सकते हैं एज सच कोई कर्फ्यू टाइमिंग उनके लिए नहीं है तो फिर हम कभी भी अपने हॉस्टल से बाहर जा सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट मंथ प्रेशर्स का तो फर्स्ट मंथ रहता है उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस रहती है कि तुम कुछ नौ नौ बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते हैं लेकिन उसके बाद तुम कभी भी बाहर जा सकते हो लड़कियों का ऐसा रहता है कि तुम्हारा ऑफिशियल टाइमिंग ग्यारह बजे का रहता है लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें जाना है तो अपने हॉस्टल के रजिस्टर के अंदर एंट्री करके तुम कभी भी जा सकते हो हॉस्टल्स हैव देयर ओन बास्केटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट बैडमिंटन कोर्ट ये बहुत प्यारी चीज़ होती है यार आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक दूर नहीं जाना पड़ता क्योंकि जब तीन एकड़ का कैंपस होता है तो हॉस्टल से ग्राउंड तक का डिस्टेंस भी काफी बढ़िया होता है आप आई आई के अंदर देखोगे तो यार साइकिल का सिस्टम है ठीक है आप अपना ऐप के थ्रू साइकिल में लॉग इन कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो एक तरह पब्लिक से पब्लिक साइकिल्स हैं और आप अपनी चाहो तो अपनी पर्सनल साइकिल भी रख सकते हैं वहाँ पे हॉस्टल के अंदर यार जिम भी है गार्डन भी है टीवी रूम भी होता है टीवी रूम में इनकेस अगर आपका इंडिया पाकिस्तान वगैरह कुछ भी अच्छे मैचेस वगैरह आ रहे हैं या चाहे आपको बिग बॉस देखना हो वही हॉस्टल में बच्चे बिग बॉस देखते हैं टीवी रूम में कॉमन रूम ठीक है फिर आपको बेड मिरर एलमीरा फैन वॉशिंग मशीन ये सारी अवेलेबल होती हैं वॉशिंग मशीन आपकी कॉमन वॉशिंग मशीन होती है जहाँ पर सारे लोग अपना कपड़े धो सकते हैं एवरी हॉस्टल हैज़ इट्स ओन नाइट कैंटीन नाइट कैंटीन यार बहुत ज़्यादा सही होती है क्योंकि स्पेशली आपके जब एग्जाम्स हो रहे होते हैं जब आप लेट नाइट स्टडी कर रहे होते हो और ये नाइट कैंटीन यार आपकी थ्रू आउट द ईयर चलती हैं कि आपको रात को खाना खाना है तो आप नीचे कैंटीन में जाके पैसे एक्स्ट्रा दे खाना वाना खा सकते हो ये रात को तीन बजे तक होती हैं सभी कॉलेज प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है ठीक है बहुत बढ़िया अगर हम मेस की बात करें यार तो बच्चे ने खुद लिखा है ये हॉस्टलर है कि यार बेस्ट ब्रेकफास्ट है और काफ़ी अच्छा खाना मिलता है अब देखो यार जब हम मूवीज़ के अंदर देखते हैं बॉलीवुड के अंदर तो ऐसा दिखाया जाता है कि भाई दाल में बस पानी पानी है स्विमिंग कर लो उसके अंदर और बहुत ख़राब खाना होता है मेरा भी यार ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है हम सरकारी कॉलेजेस में ही थे यार खाना ठीक दे देते हैं अच्छा होता है मतलब आप डेफिनेटली अपने मम्मी वाले खाने से कंपेयर नहीं कर सकते उसे पर अच्छा खाना होता है ठीक है मतलब कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप वेट कर रहे होते हो कि यार आज पनीर की सब्जी बनेगी या फिर आज डेजर्ट में ये मीठी रसगुल्ले वगैरह कुछ मिलेंगे राइट चार मील हैं यार आपके ये चीज़ ध्यान रखनी है चार मील हैं काफी कॉलेजेस हैं जो कि सिर्फ तीन मील प्रोवाइड करते हैं स्नैक्स प्रोवाइड नहीं करते तो लंच डिनर ऊपर सुबह आपका ब्रेकफास्ट और शाम को स्नैक्स ब्रेकफास्ट लंच ये सारा आपको मिल गया हाइजेनिक है यार ठीक है अनटेन आपके खाने में कभी कोई बाल वाल ना गिर जाए हो जाता है कभी कभी साल में एक दो बार इंसिडेंट ऐसे होते हैं आपको बाल बाल मिल जाएंगे बट यूजुअली हाईजेनिक है ठीक है यूजुअली हाईजेनिक है ओनली वेज फूड प्लस एग्स एग्स आपको मिलेंगे नॉन वेज फूड नहीं है सेम हॉस्टल जो है यार वो नॉनवेज भी देता है बट ओनली ऑन स्पेसिफिक डेज विच यू हैव टू परचेज एंड ईट कुछ कुछ दिनों में नॉनवेज मिलता है ये भी यार स्पेसिफिक टू दिस कॉलेज है यूजअली सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं मिलती हैं ये चीज़ें अब अगर हम बात करें एलुमिन नेटवर्क की तो काफ़ी बड़ा एलुमिनाई नेटवर्क है यार आई का और उसमें भी अगर हम आई दिल्ली के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे मेरी फेवरेट किरण बेदी जी हैं राइट उसके बाद हमारे रघुराम रंजन जी हैं उसके बाद हमारे सचिन बंसल जी हैं विनोद घोसले हैं समीर गहलावत चेतन भगत सब जानते होंगे राइट और उसके बाद भैया यू आर ब्यूटीफुल ये भी हैं राइट ग्रेट अगर हम लेक्चर हॉल्स की बात करें तो काफ़ी सुंदर लेक्चर हॉल है राइट काफ़ी सुंदर बड़े 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 लेक्चर हॉल्स यार यहाँ पे हमें मिलते हैं बिल्डिंग बहुत अच्छा है आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है आई टी का और यार मेरा एक मानना है कि वीडियो में कॉलेज के बारे में ठीक है हम आपको सारी चीज़ें बता देते हैं पर कभी भी आप जब दो कॉलेज के बीच में कन्फ्यूज़ हो ना तो उस कॉलेज के अंदर जाओ और उसका कैंपस टूर करके आओ वो जो आपको एक वाइब देगा राइट वो आपको बेस्ट आइडिया देगा वहाँ के आप सीनियर से बात करें इंट्रैक्ट करें राइट ग्रेट अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में हम आईवी लीग सबको इंक्लूड कर रहे हैं यार यहां पे फोर्थ नंबर पे आता है आईआईटी दिल्ली टी बिजनेस निकालने में मतलब और फर्स्ट इन इंडिया आईआईटी बॉम्बे से भी ऊपर है यार ये इसका केस में कि कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसे बिजनेस स्टार्ट किए जो कि भाई अब यूनिकॉर्न बन चुके हैं यूनिकॉर्न मतलब आप समझ रहे हो बिलियन डॉलर राइट ग्रेट सो स्टैनफोर्ड है यार फर्स्ट फिर है, फिर है और फिर आपका आई आई डेली आता है तो स्टार्टअपेंट आई आई टी डेली के अंदर बहुत सही लगा मुझे टू थाउजेंड नाइनटीन के एंड का डेटा है ये कि टोटल इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स यूनिकॉन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स थे जिसमें से फिफ्टीन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स सिर्फ आई आई टी डेली के अंदर ही थे और एक स्टार्टअप है उड़ान जो कि इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप है उसके रजिस्ट्रेशन के जस्ट ट्वेंटी वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका था तो ऑन्ट्रप्रनोरशिप का एक बहुत अच्छा यार वहाँ पे आपको माहौल मिलता है ठीक है अगर आप इनक्यूबेटर में हो इनक्यूबेटर मतलब आपको कॉलेज फंडिंग प्रोवाइड करता है कुछ इनिशियल कुछ अमाउंट की आपकी कुछ इक्विटी ले लेगा पर आपको फंडिंग प्रोवाइड हो जाएगी कॉलेज द्वारा और आपको क्लास दे दिए जाएंगे जिन्हें आप अपने एज अ ऑफिस यूज़ कर सकते हो तो काफ़ी प्रमोट किया जाता है इनक्यूबेटर फैसिलिटीज यार आजकल काफ़ी कॉलेजेस में आपको मिलती हैं चाहे प्राइवेट हो गए चाहे सरकारी हो गए सोसाइटीज़ की अगर बात करें यार ये सोसाइटीज़ क्लब लगभग हर जगह सेम है बस यहां पे थोड़े ज्यादा प्रोफेशनल हैं अगर आपने आई दिल्ली का डांस सोसाइटी के कुछ वीडियोस देखे हैं तो भाई साहब क्या डांस है इनका बहुत ही शानदार आपको लग रहा होगा कि आई दिल्ली के बच्चे गेस्टो टाइप होते होंगे ठीक है बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे लगा के भाई वहम है बहुत बड़ा वहम है आप लोगों का बदल जाते हैं प्रोफेशनल हो जाते हैं मस्ती में भी राइट राइट इंजीनियर्स बहुत ज्यादा मस्ती मारते हैं ग्रेट सो so, अगर हम बात करें तो यार इनकी एक डांस सोसाइटी है डांस सोसाइटी के अंदर भी दो सोसाइटीज़ हैं आपकी ठीक है ये इन्होंने लिख रखा है कि ये मूड आए मतलब मूड इंडिगो 2020 में फर्स्ट आए थे ऑल ओवर इंडिया ठीक है तो काफी सारे आई बॉम्बे की भी टीम आई होगी डेली यूनिवर्सिटी के भी गए हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के भी गए हैं एनआईटीज भी आई हैं और फर्स्ट आए हैं जैसा मैंने बताया था काफ़ी अच्छी डांस टीम है इनकी यूट्यूब पर आपको काफी वीडियोज मिल जाएंगे ड्रामेटिक्स की अगर हम बात करें तो स्टेज प्ले स्ट्रीट प्ले फाइन आर्ट्स क्लब राइट इन एक्टर्स है इनका ये सारी यार सोसाइटीज़ आपको मिलेंगी डिबेटिंग ड्रामा ड्रामा आप जो सोसाइटी सोचो वो आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलती है और नहीं है तो आप अपनी खुद क्रिएट कर सकते हो ठीक है ग्रेट अच्छी बात ये है कि यार इनको काफ़ी ईजी फंडिंग मिलती है एक अच्छा कॉलेज वो है जो कि अपनी सोसाइटीज़ को फंडिंग दे सके अगर कोई कॉम्पिटिशन है तो उन बच्चों के ट्रैवल के जो एक्सपेंसेस हैं वो भर सके लाइब्रेरी की बात करें यार वही दो लाख किताबें हैं फुल्ली एयर कंडीशन ट्वेंटी फोर सेवन काफ़ी अच्छी जगह है यार जहाँ पे आप बैठोगे यहाँ पे सिर्फ यार आपके आ, इंडिया के बच्चे नहीं काफ़ी आपको इंटरनेशनल बच्चे भी मिलेंगे जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं अगर हम कोर्स आउटलाइन की बात करें यार तो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं ऑल कोर्सेज आर सेम फॉर ऑल ब्रांचेज ओनली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ठीक है फर्स्ट ईयर में आपको वही बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह अंग्रेजी वगैरह ये सब सब्जेक्ट होते हैं आप किसी भी ब्रांच में वो आपके लिए सेम पढ़ते हैं देन वी हैव फ्लेक्सीबल क्रेडिट सिस्टम ठीक है आपका फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम है कैन चूज कोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप अपने कोर्सेज में आपके पास ऑप्शन होंगे आपको क्या क्या पढ़ना है जैसे जैसे आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के अंदर पहुँचते हो कैन ऑप्ट फॉर कोर्सेज लाइक साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स मॉडर्न फिक्शन लैंग्वेज साइंस सही है काफ़ी सारे यू वाले बच्चों के वाले बच्चों की खुशी सी आ गई होगी इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी देख के ग्रेट कैन डू माइनर इन कंप्यूटर साइंस ऑन्टरप्रिनरशिप मैनेजमेंट एक्सेट्रा ठीक है जनरल और ओबीसी की अगर हम बात करें तो यार एक लाख चौबीस हज़ार रुपये है राइट right, अगर हम फैमिली इनकम अगर आपकी एक से पाँच लाख के बीच में आती है तो आपको सिर्फ फिफ्टी सेवन थाउजेंड देने हैं फैमिली इनकम अगर आपकी लेस देन वन लाख है तो आपको सिर्फ चौबीस हज़ार रुपये देने हैं और एस सी एस टी या पी डी वाले फिजिकल हैंडीक्रेफ्ट वाले स्टूडेंट हो तब भी आपको चौबीस हजार रुपये ही देने हैं ग्रेट प्लस आपकी यार हॉस्टल फ़ीस होती है इंक्लूडिंग मेस फ़ीस जो कि करीबन सत्ताईस हज़ार रुपये है पर सेमेस्टर ठीक है तो आपका पूरे साल का लगभग फिफ्टी फोर थाउजेंड रुपीज़ हो जाएगा हॉस्टल एंड मेस फीस और ये ऊपर आपके आपकी ट्यूशन फीस हो गई डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी में आते हो टोटल अगर हम बात करें तो करीबन डेढ़ लाख पर सेमेस्टर पड़ता है और चार साल की अगर हम बात करें करीबन बारह लाख पड़ता है और ड्यूल डिग्री की अगर हम बात करें तो करीबन पंद्रह लाख रुपये का खर्चा है इनकेस यार आप इस चीज़ को फंड नहीं कर पा रहे हो ठीक है तो यार आप स्टूडेंट लोन भी ले सकते हो काफ़ी इजीली आपको स्टूडेंट लोन मिल जाता है ठीक है आप चाहे बिट्स पिलाने के लिए भी यार आप जाना चाहते हो जहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है बीस लाख ,00 है और अगर, अगर आपका ड्यूल डिग्री है तो पच्चीस लाख ,00 तक भी जाता है तो वहाँ पे भी यार आपको एक एजुकेशन लोन मिल जाता है जो कि अठारह बीस लाख तक का अमाउंट कवर कर रहा होता है ग्रेट अगर आपको और फीस की डिटेल चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं यार अब आप आई आई के अंदर जा रहे हो क्यों जाते हैं हम क्योंकि भाई मां बाप कहते हैं कि यार एक अच्छा बैकअप ऑप्शन हो जाए कल को आप में से जरूरी नहीं है कि सारे सारे इंजीनियर बने काफी बच्चे हैं जो कि सरकारी की प्रिपरेशन करेंगे काफ़ी बच्चे हैं जो पी में जाना चाहते हैं काफी बच्चे जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ठीक है काफी बिजनेस काफी बच्चे जो कि अपने पेरेंट्स का बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना आपके पास फ्री टाइम है कि मान लो आपको गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है आपको कैट की प्रिपरेशन करनी है तो आपको फ्री टाइम चाहिए तो ऐसे में यार मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ तीन टाइप के कॉलेजेस होते हैं पहले हैं आपके सरकारी ठीक है दूसरे आपके ट्रिपल आई और फिर होते हैं आपके प्राइवेट ठीक है तो ट्रिपल आई और प्राइवेट में रिलेटिवली आपको कम टाइम मिलता है ट्रिपल आई में तो बहुत ही कम फ्री टाइम मिलता है और अगर हम आ, आ, सरकारी कॉलेजेस की बात करें चाहे आई, आई हो गई एन हो गई डी हो गया एन हो गया यहाँ पे आपको काफ़ी फ्री टाइम मिलता है विच इज़ वेरी गुड अगर आप सरकारी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो या फिर एक अच्छी कॉलेज लाइफ चाहते हो क्योंकि प्लेसमेंट में डिफरेंस नहीं होता यार ठीक है वही सेम कंपनी सारी आपकी जो टॉप उप, आपके ऊपर के 20-25 कॉलेजेस हैं उन सब में विजिट कर रही होती हैं ऑल ओवर इंडिया ग्रेट एवरेज यार आपको आठ घंटे पर डे फ्री मिल जाएंगे ठीक है ये सोने के बाद है ठीक है कि आप सो भी रहे हो कॉलेज भी जा रहे हो उसके बाद भी आपको आठ घंटे फ्री मिलेंगे जहाँ पे आप क्लब्स में जा सकते हो स्पोर्ट्स में जा सकते हो स्टार्टअप पे काम कर सकते हो यूपीएससी का पढ़ सकते हो ऑनलाइन कोर्सेज लैंग्वेज सीखो या और कोई भी पर्टिकुलर हॉबी कर सकते हो ठीक है कैन डू एनी एक्स्ट्रा पाँच से दस प्रतिशत जो बच्चे हैं यार वो स्टार्टअप के अंदर लगे हुए हैं ये उस बच्चे का खुद का ऑब्जर्वेशन है जो कि थर्ड ईयर के अंदर है ठीक है ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये उसका पर्सनल ऑब्जर्वेशन है पाँच से दस प्रतिशत बच्चे स्टार्टअप के अंदर लगे हुए हैं पाँच से दस प्रतिशत बच्चे ही यू की तैयारी कर रहे हैं करीबन बीस प्रतिशत के बच्चे हैं जो कि फर्दर स्टडीज़ फर्दर स्टडीज़ मतलब एम एस की तैयारी कर रहे हैं या एम के लिए कैट एग्जाम वगैरह इन सब की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे हुए हैं रिमेनिंग वो यार जॉब के लिए अप्लाई करते हैं टेक कोर इसमें यार आपके 65 फाइव प्रतिशत जो बच्चे जा रहे होते हैं टेक मतलब आपके आईटी कंपनीज और कोर कंपनीज मतलब कि आप मैकेनिकल ब्रांच को बिलोंग करते हो तो फिर आप मैकेनिकल कंपनीज को ही टारगेट कर रहे हो कोर कंपनीज ठीक है कंसल्टेंसी फाइनेंस और इनके अंदर यार करीबन तीस जाते हैं और अदर्स में पांच ये नियरली नियरली हमने एक्यूरेट फैक्ट्स निकाले हैं अंदर आपके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स से नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं यार कि इस कॉलेज के अंदर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज कितनी अच्छी हैं कि यहाँ पे जितनी मशीन है करोड़ों करोड़ों की मशीन आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूरा फ्रीडम दिया जाता है यूज़ करने के लिए और मैंने सुना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऐसा होता है कि वो मशीन सिर्फ एक या दो होती है और लैब असिस्टेंट्स उन्हें यूज़ करके बताते हैं और स्टूडेंट सिर्फ देखते हैं लेकिन आई के अंदर हमें पूरा फ्रीडम होता है कि कोई भी मशीन कभी भी यूज़ कर सकते हैं हम तो यार जो लैब्स हैं वो काफ़ी वेल मेनटेन्ड हैं जो प्रोफेसर हैं उन्हें अपने डोमेन के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है बच्चों का यहाँ पे ये मानना है कि अगर चाहे प्रोफेसर अच्छा पढ़ाते ना हों पर उन्हें अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत नॉलेज है जिस चीज़ में उन्होंने पीएचडी कर रखी है इन डेप्थ उन्हें काफ़ी ज्ञान है उस चीज़ के बारे में तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि ज़्यादातर आप सरकारी कॉलेज में जाते हो चाहे आप लोअर आई में चले जाओ चाहे आप एन के अंदर चले जाओ तो वहाँ पर जो प्रोफेसर्स होते हैं यार ठीक है वहाँ पर उतना दम नहीं हो रहा होता तो ये एक अच्छी चीज़ है या फिर जो लैब्स होती हैं उन लैब्स के अंदर प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं होते वेल well मेनटेन्ड नहीं होती कोई रिसर्च अपॉर्चुनिटीज रेहज से नहीं हो रही होती ऐसे ऐसे किस्से होते हैं जहाँ पे एन के प्रोफेसर अपनी पी एच के बच्चे से पूरी घबरवा रहे हैं प्रोजेक्ट उससे बनवा रहे हैं ये बहुत मेजोरिटी कॉलेज के अंदर हो रहा होता है तो वैसा सा आपको कुछ यहाँ पे नहीं दिखेगा तो अगर हम प्रोफेसर्स की क्वालिफिकेशन की लेवल की बात करें तो ट्रिपल आई यार सबसे ऊपर आती हैं वो नेक्स्ट लेवल हैं अगर आपको रिसर्च के अंदर ही जाना है तो ट्रिपल आई राइट ट्रिपल आई हैदराबाद अगर आप उसका एवरेज पैकेज जानते हो तो वो 25 लाख है 25 फाइव लैक्स उसका एवरेज पैकेज है मिनिमम पैकेज उसका आठ लाख है पर वही है यार थोड़ा साइज़ में छोटा है कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पर थोड़ी कम हैं ठीक है थीके? कॉलेज लाइफ उतनी ज़्यादा आप शायद एक्सप्लोर ऑप्शंस ना कर पाओ वहाँ पे आपको तभी जाना है जब आपने वही सोच लिया है कि भाई मेरे को तो कंप्यूटर साइंस में ही कुछ करना है या इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ही कुछ करना है अगर आपका केवल ये है कि पता नहीं यार शायद यूपीएससी भी दे दूँ शायद स्टार्टअप में भी चला जाऊँ तो आई आई एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए नेक्स्ट चीज़ है यार कॉलेज के कैंटीनस तो बहुत अच्छा खाना है मैंने खुद खाया यार यहाँ पे ठीक है आपको अलग अलग स्पॉट्स पे कैंटीन मिल जाएंगी बच्चे वहाँ पे ग्रुप बना के बैठ जाते हैं डिस्कशन करते हैं और वहीं पे आपके कॉलेज की कुछ शानदार सी मेमोरीज वगैरह बन रही होती हैं ठीक है तो काफ़ी सारे इसके अंदर के और स्पॉट्स वगैरह भी हैं यार ठीक है एक कॉलेज है ना अपने आप में एक जंगल होता है स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेज में ठीक है आपके खुद के कुछ स्पॉट्स बन रखे होते हैं जहाँ पर आप जाके बैठते हो कुछ मेमरीज बनाते हो और यहाँ अगर हम बात करते हैं कैंपस के अंदर ही खाने की जगह तो यहाँ पर सी सी डी अवेलेबल है नेस्के पे है चायोज़ है अमूल है और कई सारी जगह है खाने की और कुछ कैंटीन्स है जैसे राजधानी हो गया मसाला मिक्स हो गया यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है तो खाने के लिए तुम्हें बाहर जाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है ठीक है तो ये यार हमें काफ़ी एक अच्छा ब्रीफ मिल गया है आई आई टी के बारे में और काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको साथ साथ में दिखा रहा हूँ या वीडियो के एंड में रखूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यार आपको काफ़ी सारी लिंक्स मैं दूंगा ठीक है जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स होंगी पेजेस होंगे जिन पे जाके आप चीज़ों को देख सकते हो वाइब ले सकते हो एक कॉलेज जो होता है यार वो कॉलेज ठीक है इसकी एक ब्रांडिंग है बट एट द एंड कॉलेज है ना बच्चों से बनता है जब आप इस कॉलेज में जाओगे आपको सारे बच्चे उस टाइप के मिलेंगे जिनके एम्बिशंस बहुत बड़े हैं और जब आप अपने कंपटीशन में देखते हो तब आप ख़ुद भी सोचते हैं यार मैं भी कुछ बड़ा फोड़ूंगा बहुत प्यारे फेस्ट हैं यार, बहुत अच्छा एक आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है ठीक है एंड अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो